हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एम। मेरा नाम है अरुण परमार और इस वीडियो में हम ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओलंपिक को हम खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ओलंपिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं BC बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुए? ये हुए यूनान के ओलंपिया शहर से प्रारंभ हुए। अब देखो, ग्रीक का देवता है ज्यूस, ग्रीक यानी यूनान, और ज्यूस इस देवता को सम्मान देने के लिए ही पहली बार इन खेलों का आयोजन किया गया था। यह खेल 394 ईस्वी तक लगातार चले, फिर रोम के राजा थियोसिस के आदेश के कारण इन खेलों को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को माना जाता है। ये हैं फ्रांस से और ये IOC के सेकंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति। तो आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुए? तो 1896 ईस्वी में यूनान के एंथेस शहर से इन खेलों का दोबारा शुरू हो गए, तो इन्हीं को आधुनिक ओलंपिक के नाम से जानते हैं। अब ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1960 में, और कौन से ओलंपिक से हुआ? रोम ओलंपिक से। रोम इटली की राजधानी का नाम है। रोम 1960 से ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण पहली बार शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? तो देखिए, पहले ओलंपिक ध्वज के बारे में पता लगाते हैं। ओलंपिक ध्वज को बैरोन डी कोबार्टिन ने 1913 में पहली बार बनाया। इसका उद्घाटन 1914 में पेरिस में हुआ, लेकिन इसको 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार फहराया गया। एंटवर्प पड़ता है बेल्जियम में, और बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स, BRUSSELS। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 23 जून 1894 को पेरिस के में एक जगह का नाम है सखून नामक स्थान पर हुई, और पेरिस पड़ता है फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस। नेक्स्ट है, IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिटिरियास विकिलास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? ये थॉमस बाक हैं, 9th अध्यक्ष हैं, ये इनकी पिक्चर है और ये जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी थी नीता अंबानी जी। ये जब 129वां सत्र चल रहा था तो ये अंतर्राष्ट्रीय IOC की पहली महिला सदस्य बनी थी, और ये 4 अगस्त 2016 को IOC की सदस्य बनी, और ये 70 वर्ष तक की आयु तक IOC की सदस्य रहेंगी। जब ये 4 अगस्त 2016 को बनी तब इनकी उम्र 52 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ओलंपिक फ्लैग। जो फ्लैग है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होता है। इसमें 5 रिंग होते हैं, पहला है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, और जो ये 5 रिंग हैं 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो पहला है ब्लू कलर दर्शाता है यूरोप को, दूसरा है येलो दर्शाता है एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, और ग्रीन ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और रेड अमेरिका में दोनों नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, परंतु कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गए। अब ये 2021 में शुरुआत हो चुकी है इनकी। इंडिया इन ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान का टोक्यो शहर कर रहा है। तो टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल का नाम भी है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे, लगभग 17 दिन तक चलेंगे। नेक्स्ट है,
टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? मिराई तोवा। ये मिराई तोवा है, मिराई का अर्थ है जापानी लैंग्वेज में भविष्य, तोवा का अर्थ है अनंत काल। शुभंकर की परंपरा 1968 के मैक्सिको शहर से हुई थी। मैक्सिको 1968 ओलंपिक से शुरुआत हुई थी। और मिराई तोवा का अर्थ होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हिस्सा लिया। देखो, जो अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी होती है उसको हम फर्स्ट लेडी बोलते हैं, और अमेरिका की राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन, उनकी पत्नी का नाम जिल बाइडेन। ओपनिंग सेरेमनी की थीम मूविंग फॉरवर्ड, जो कोरोना से जंग लड़ने के लिए रखी गई है। टोक्यो ओलंपिक 32वां ओलंपिक है जिसमें 206 देशों के 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 1916 बर्लिन जर्मनी और 1940 टोक्यो और 1944 लंदन। 1916 बर्लिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, और 1940 टोक्यो जापान, 1944 लंदन ब्रिटेन, ये सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से रद्द हो गए थे। अगर इनको काउंट करें, हम तीनों ओलंपिक को काउंट करें, तो ये 32वां ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक। अगर इन तीनों को हटा दें तो ये 29वां टोक्यो ओलंपिक माना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों में 339 प्रतिस्पर्धाएँ शामिल की गई हैं। 33 खेलों में से 5 खेल नए ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है, देखो 2016 का जो ओलंपिक हुआ वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसमें 28 खेल शामिल किए गए थे। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक होना था 2021 में होगा, वो उसमें 33 खेलों को शामिल किया गया। 5 नए जो गेम ऐड किए गए थे वे हैं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल और या सॉफ्टबॉल। और 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक को आयोजित करने वाला मेज़बान देश जापान है। तो जापान के बारे में पढ़ते हैं, जापान के प्रधानमंत्री का नाम योशिदे सुगा है, जो 14 सितंबर 2020 को बने थे। जापान की मुद्रा का नाम जापानी येन है। जापान का टोक्यो शहर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है। इससे पहले 1964 में ओलंपिक आयोजित किया था इसने। अब देखें, इंडिया इन ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई 1927 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भारतीय ओलंपिक संघ का साइन है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं, ये इनकी पिक्चर है, और ये 12वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया हैशटैग हमारा विक्ट्री पंच। अनुराग ठाकुर जी की ये पिक्चर है। अनुराग ठाकुर खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, और इसके साथ साथ IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत के 22 राज्यों से 119 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और जिसमें से 67 पुरुष और 52 महिलाएं शामिल हैं। अगर हम पूरे टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 51% मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं, और 49% फीमेल हैं, महिलाएँ हैं पूरे टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 119 खिलाड़ी 18 खेलों की 85 स्पर्धाओं में भाग लेंगे, यानी कि 85 मेडल के लिए लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग सेरेमनी में भारत के कितने खिलाड़ी ध्वजारोहक हैं? तो इसमें है 2 खिलाड़ी, MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से हैं, और ये 6 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, और दूसरे हमारे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी इंडिया के कैप्टन हैं। नेक्स्ट है, क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के कितने खिलाड़ी ध्वजारोहण करेंगे?
तो इसमें है एक बजरंग पुनिया, इनका जो खेल है वो है रेसलिंग यानी कि कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडल्स। मेडल्स तीन, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल में 92.5% 92.5% सिल्वर होता है और 6 ग्राम गोल्ड होता है। सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर होता है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में 92.5% कॉपर, 2.5% जिंक, 0.5% टिन होता है। जो हमारे ओलंपिक मेडल होता है वो उसका जो सर्कल है वो 60 mm का होता है और जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, मोटाई वो है 3 mm, 3 मिलीमीटर की होती है। नेक्स्ट है हरियाणा इन ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के 31 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था, परंतु रोहतक के सुमित मलिक डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। अब हरियाणा से केवल 30 खिलाड़ी भाग लेंगे। हरियाणा से भाग ले रहे 30 खिलाड़ियों में 17 महिलाएं हैं और 13 पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात कर लेते हैं कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हरियाणा से हैं। तो बात करते हैं हॉकी की। हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 9 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। रेसलिंग, रेसलिंग में 7 यानी कुश्ती में 7 खिलाड़ी हैं, 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। अब देखिए पूरे भारत से कुश्ती में 7 ही खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 7 की 7 हरियाणा से हैं। शूटिंग में 4 खिलाड़ी हैं, 2 महिलाएं 2 पुरुष। बॉक्सिंग में 4 खिलाड़ी हैं, 1 महिला और 3 पुरुष। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में 2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनमें से 1 महिला है और 1 पुरुष है। वॉकिंग गेम में 2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और दोनों के दोनों पुरुष हैं। ये थे हरियाणा के 30 खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। अगर आप इन पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो इसके अलावा पंजाब से 14 खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से 12 खिलाड़ी हैं, केरल से 9 खिलाड़ी हैं, यूपी से 8 खिलाड़ी हैं और राजस्थान और दिल्ली से 4-4 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोसाइटी है। यह है सोसाइटी। सोसाइटी का अर्थ होता है इतना शक्तिशाली। नेक्स्ट है पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा, जो लगभग 13 दिन तक चलेंगे। पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे, जो कि पैरा हाई जंप से खेलते हैं। पैरा हाई जंप इनका गेम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अंग्रेजी परमानेंट है और फ्रांसीसी अनपरमानेंट। अभी आज 24 जुलाई 2021 को भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ये भारत का पहला मेडल है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।